आप पे इल्ज़ामात हैं यही कि वो रकम आपने नहीं दी थी और उससे ज़्यादा महंगी घड़ी थी जो सस्ते दामों आपने बेची है। तो आपने बेची है घड़ी, आपने तस्लीम कर लिया है, पैसे कहाँ से आए ये आपने भी अभी बताना है। और बोल नहीं रहे वो, उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। असमा शराजी जो कि एक नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब पर कि उनको ये वज़ीर आज़म होने की वजह से तोहफे मिले थे जो उन्होंने बेच कर उन्होंने पैसे जहाँ भी कंज्यूम किए हैं, ये उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। मगर इमरान खान का कहना है कि एक कानून के मुताबिक एक चीज़ है कि अगर वज़ीर आज़म चाहे तो कोई भी तोहफा कोई भी कीमत देकर वो ले सकता है। कानून के ऐन मुताबिक उन्होंने उसी तरह उसकी कीमत देकर चाहे जो भी हो वो ख़रीदी, और अगर बाद में उनके वो इस्तेमाल में नहीं थी या उनको नहीं ज़रूरत थी उन्होंने बेच दिया है, तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है। मगर इस मुल्क में जो कि डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं और मुआशी हालत इतनी बुरी है, महंगाई कहाँ पर है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की घड़ी की फिक्र है।